हे गाइस, आज मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ गाइस एक बहुत ही टेस्टी खिचड़ी खूब सारे वेजिटेबल के साथ। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें चावल और थोड़ा सा मूंग दाल मैं सोख करके रख दी हूँ गाइस। और मसाला हम लोग 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, जिसमें हम लोग हल्दी पाउडर, मिर्च मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये जीरा और सूखी मिर्च का सूखी मसाला, सॉल्ट, और उसमें मिला देंगे ये मटर, एक बड़ी टमाटो, प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ, ये है बीन्स, ये है आलू, ये गोभी गाइस, और उसमें गार्निश कर देंगे गाइस। तो यस, अभी मैं आपके साथ दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे क्या उसको बनाते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ खिचड़ी, हेल्दी खिचड़ी गाइस। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स होगा, हम लोग पहले एक बड़ी प्याज लेंगे, एक बड़ा टमाटो, कुछ लहसुन की कलियाँ गाइस, और थोड़ा सा अदरक, और ये आलू, गोभी, मटर, बीन्स एंड सूखे मसालों में से हम लोग लेंगे जीरा, और थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे, वो भी अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड सूखी मसाला जो भी है उसमें हम लोग टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, फिर लेंगे हम लोग हल्दी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे गरम मसाला, और ये ज़ीरा और सूखी मिर्च का जो हम लोग बनाए थे तो वो ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ये ऑयल में 2 टेबल स्पून ऑयल ली हूँ गाइस, और यस, इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे एंड यस, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं या फिर सिंपल ऑयल में भी आप कर सकते हैं गाइस, इट्स अप टू यू। एंड यस गाइस, अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग ऐड कर देंगे जीरा एंड थोड़ा सा हिंग, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाइस। यस, अभी उसको सॉटे कर लेंगे, देन हम लोग उसमें प्याज और ऐड करेंगे गाइस। यस, अभी वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ये थोड़ा सा प्याज, ये हम लोग ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा लहसुन की कलियां ऐड करेंगे गाइस। यस, लहसुन की कलियाँ कुछ ऐड कर देंगे, फिर आप उसको बाद में भी यू नो तड़का लगा सकते हैं गाइस, इट्स ऑल अप टू यू, तो उसमें भी टेस्ट अच्छा आता है। तो थोड़ा सा लहसुन में रख दी हूँ गाइस, लास्ट में तड़का ऐड कर दूंगी। सिंपल हम लोग घी के साथ थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ लेंगे गाइस, और थोड़ा सा हम लोग ले लेंगे जीरा या फिर कड़ी पत्ता में ऐड कर देंगे गाइस। तो यस, इसको फ्राई होने देंगे गाइस। तो गाइस, अभी प्याज थोड़ा सा भुन गया है गाइस, इसमें थोड़ा सा हम लोग ये टमाटो ऐड कर देंगे गाइस, एक मीडियम साइज का बड़ा टमाटो। यस गाइस, देन गाइस हम लोग उसमें ऐड कर देंगे ये मसाला जो भी है उसको पहले हम लोग तो आलू वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे गाइस, ये मीडियम साइज आलू, देन ये कुछ बीन्स गाइस, ये पीस, तो ये हेल्दी भी होता है गाइस, और यस मतलब खिचड़ी और ये पीस, कोई भी पतली खिचड़ी भी पसंद करते हैं थोड़ा सा उसका पतला लेयर, उसमें आप क्या करेंगे जब बन जाएगा उसमें थोड़ा सा आप गर्म पानी ऐड करेंगे तो वो परफेक्टली पतली खिचड़ी हो जाएगा गाइस। तो यस, ये क्या गोभी,
मैं इसको अच्छे से सॉटे कर लूंगी गाइस। एंड उसके बाद हम लोग ये नो फ्रोजन सॉरी ऐड कर देंगे हमारा जो चावल और मूंग का दाल बहुत जल्दी कभी बन जाता है। ये ऐड करने के बाद हम लोग ये मसाला को डायरेक्टली ऐड कर देंगे गाइस। तो यस इसको थोड़ा सा ड्रेन आउट कर लेंगे। सी गाइस बहुत जल्दी ही बन जाता है। इसको ऐड कर देंगे फिर उसमें ये हम लोग मसाला ऐड कर लेते हैं गाइस। इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे। एंड वन बाय वन करके ये सारे मसाला हल्दी पाउडर गरम मसाला मिर्च पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला और ये जीरा और सूखी मिर्च मसाला और ये स्वाद अनुसार नमक गाइस सबको एक साथ ऐड कर देंगे गाइस। दैट्स इट। फिर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो जैसे इसका वॉल्यूम पूरा फिल अप होगा उस हिसाब से इतना ही हम लोगों का इस पानी लेना है और वो ऐड करके हम लोग उसको ढक देंगे गाइस। सिंपल और कुछ भी नहीं करना है, बस दो विसिल तक हम लोग को वेट करना है गाइस। और हम लोग को देखिए गाइस बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनेगा ये। दैट्स इट। अभी गाइस उसको हम लोग बंद कर देंगे एंड वेट करेंगे गाइस फिर देखते हैं गाइस। तो गाइस यस ये देखिए फाइनल लुक खिचड़ी का बन गया है गाइस। ये थोड़ा सा अगर आप पतला थोड़ा सा उसका कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा 1 कप हॉट वाटर ऐड कर देंगे और बिकॉज ठंडा पानी ऐड करने से चावल और दाल मतलब अलग अलग हो जाते हैं इसीलिए। यस दैट्स इट। एंड गाइस देखिए कितना टेस्टी बना है। तो यस दैट्स द फाइनल व्यू गाइस। आप भी ट्राई करो, इट्स अमेजिंग, इट्स डिलीशियस। Bye guys, subscribe my channel.